इतने सोर्सेज हैं तुम्हारे, एक मामूली से लड़के का पता नहीं कर पा रहे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम कैसे भी करके बख्तू को ढूंढो और उसको ढूंढ कर वहीं खत्म करो। रिलैक्स, बख्तू पुलिस के हाथ लग भी गया तो भी कोई उसके बयान का यकीन नहीं करेगा। वहां मौजूद तमाम लोगों ने बख्तू को नूरा के पीछे आते हुए देखा था। हम नूरा के छलांग लगाते ही रूम में चले गए थे। थैंक गॉड कि उस कमरे में कैमरे इंस्टॉल नहीं थे, वरना पुलिस के हाथ सुराग लग जाता। बख्तू की नहीं, नूरा की फिक्र करो। वो होश में आ गई और बयान दे दिया तो हम बच नहीं सकेंगे। दिलावर, तुम कहाँ गायब हो कल से? फोन भी रिसीव नहीं कर रहे, सब ठीक है ना? हाँ, फिलहाल तो सब ठीक ही है। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स का फोन आया था, नूरा इज स्टेबल नाउ, और वो होपफुल हैं कि वो बहुत जल्द रिकवर भी कर जाएगी और बयान भी दे सकेगी। हमारी तो जान छूटे ना इस केस से। पुलिस ने हर मेहमान, हर मुलाजिम की तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि हर चीज सबके सामने है। किसी की हरासमेंट से बचने के लिए उसने छलांग लगाई। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या तफ्तीश है। सबने उसको छलांग लगाते हुए तो देखा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो किससे खौफजदा होकर छलांग लगा बैठी। ओ कम ऑन, तुम सब जानते हो। बख्तू के वहां होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसने अटेम्प्ट किया। हो सकता है वो उसको बचा रहा हो। और नूरा का दुपट्टा जो उसके हाथ में था। दुपट्टा भी बख्तू के पास होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बख्तू ने अटेम्प्ट किया था। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि अगर बख्तू ने ये अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की तो उधर वो दूसरा शख्स कौन था? मुझे समझ में नहीं आता है कि उस लड़के ने तुम पर क्या जादू कर दिया कि तुम उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते, जबकि वो सबके सामने रंगे हाथों पकड़ा गया है। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सिक्स सेंस को। यूं ही तो नहीं चिढ़ती तुम उससे? खुल के बात करो दिलावर, क्या कहना चाहते हो? तुम कल से उसकी हिमायत कर रहे हो। बख्तू कल से पुलिस कस्टडी में है। ओके गुड, अच्छी बात है। और ये इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। छुपाने की वजह? मीडिया हमारी जान को आया हुआ है। मेरे ख्याल से पुलिस को बख्तू के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि हमारी जान तो छुटे। फोन आया था मुझे थाने से, बख्तू ने अपना बयान दे दिया।